अगर एक इंडियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट को साथ में रखा तो क्या होगा? ये मेरे को लगता है हमारे इंडियन एलिफेंट ना बहुत स्पिरिचुअल किस्म के वो होते हैं, क्यूट होते हैं बहुत ज्यादा, उनके चेहरे पे एग्रेशन नजर नहीं आता। अफ्रीकन एलिफेंट्स का तो कान भी इतने बड़े, सूंड भी अलग तरीके की होती है, तो लगते हैं वो उस टाइप के। हमने मतलब हमारी सोसाइटी का हिस्सा रहे इतने टाइम से इंडियन एलिफेंट, साउथ एशियन सोसाइटी का भी, तो साउथ ईस्ट एशियन वगैरह में भी, तो वो तो हमारे कल्चर का हिस्सा है, ब्रोज है। हाँ, अफ्रीकन एलिफेंट्स ब्रोज हमारे, तो गणेश जी भी है, वो तो हमेशा साथ ही रहते हैं टाइप्स में। मेमोरी भी अगर तो आपने किसी को एलिफेंट को कभी भी किसी ने हार्म करने की कोशिश करी, एलिफेंट्स आए वापस बदला लेने के लिए, उनको याद रहता है।